हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ चांद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारा मकाम। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2014 पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 2012 से 2021 तक यूजीसी नेट JRF पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस की मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं 2012 के और 2013 के सारे पेपर का एनालिसिस करा चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको प्लेलिस्ट से देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी UGC NET JRF पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस 2012 से 2021। आप वहाँ से भी सारे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस देख सकते हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा 2014 का क्वेश्चन पेपर, और उसी का आज हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। टू कौटिल्या द कंसेप्ट ऑफ रूप दर्शक। कौटिल्या का जो कंसेप्ट है रूप दर्शक, उसका मीन क्या है? ब्यूटिशियन, मजिस्ट्रेट, इंस्पेक्टर ऑफ कॉइंस, जमींदार। इसका मैं आपको हिंदी भी दिखा देती हूँ, हिंदी भी हमारे पास है। हिंदी में देखिए, कौटिल्या के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ क्या है? ब्यूटिशियन, मजिस्ट्रेट, सिक्कों का निरीक्षक, जमींदार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौटिल्या ने जो रूप दर्शक की अवधारणा दी है उसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्कों का निरीक्षक। याद रखिएगा, जो कौटिल्या का रूप दर्शक का कॉन्सेप्ट है वो है सिक्कों का निरीक्षक, इंस्पेक्टर ऑफ कॉइंस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, इंस्पेक्टर ऑफ कॉइंस। अब देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड है हमारा, प्लेटो अप्रोप्रिएटेड द आइडियाज ऑफ प्लेटो जो है उन्होंने किस किसके आइडियाज को लिया। अब मैं हिंदी में आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, प्लेटो ने इनके विचारों को लिया था, हेराक्लीटस, पारमेनिडीज, सुकरात, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लेटो ने किन किन के विचारों को लिया? प्लेटो ने इन सभी के विचारों को लिया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आपको थोड़ा इनके बारे में बता देती हूँ। देखिए, जो ये सुकरात हैं, ये प्लेटो के गुरु हैं, और हेराक्लीटस और पारमेनिडीज जो हैं, इनके आइडियाज़ को भी लिया। अब कौन से आइडियाज थे जो प्लेटो ने इनसे लिए थे, आप ध्यान से सुनिएगा और अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। जो हेराक्लीट से ये बात करते थे कि जो ये विश्व है, ये वर्ल्ड है, या ये ट्रुथ है, ये जो सच्चाई है, ये कैसी है? ये परिवर्तनशील है। याद रखिएगा, हेराक्लीट्स ने क्या बोला कि ये जो दुनिया है ये परिवर्तनशील है। वहीं ये पारमेनिडीज जो हैं, ये क्या बोलते हैं? ये दुनिया जो है स्थाई है और अपरिवर्तनशील है। ट्रूथ जो है, ये सच जो है, ये अपरिवर्तनशील है और स्थाई है। याद रखिए कि हेराक्लीट्स जो हैं, इन्होंने परिवर्तनशीलता की बात की, और पारमेनिडीज जो हैं, इन्होंने अपरिवर्तनशीलता की बात की। तो ऐसे में प्लेटो ने क्या किया? प्लेटो ने दोनों के आइडियाज़ को लिया और उसको मिक्स कर दिया। प्लेटो ने क्या किया कि हाँ, ये जो ट्रूथ है ये परमानेंट तो है, यानी कि उन्होंने पारमेनिडीज ने बोला है कि ट्रूथ इज ऑलवेज परमानेंट, तो उस वाले आइडियाज को लिया कि हाँ, ये प्लेटो ने क्या किया, पारमेनिडीज के जो आइडियाज थे उसको लिया और बोले कि हाँ, ये ट्रूथ जो है ये परमानेंट है, बट इसकी शेडो जो है वो ऑलवेज चेंजिंग है। ट्रूथ की जो छाया है, सच्चाई की जो छाया है, वो ऑलवेज कैसी है? चेंजिंग है। तो चेंजिंग की बात किसने की थी? हेराक्लीटस ने। और नॉन चेंजिंग मतलब अनचेंजिंग की बात किसने की थी? पारमेनिडीज ने। इस तरीके से प्लेटो ने इन दोनों के आइडियाज़ को लिया और उसको मिक्स किया और अपनी एक अलग से डेफिनेशन दी और बोला, प्लेटो ने क्या बोला? प्लेटो बोले कि ट्रूथ इज परमानेंट, बट इट्स शैडो इज ऑलवेज चेंजिंग। याद रखिएगा, प्लेटो ने इन तीनों के आइडियाज़ को लिया, और सुकरात को तो आप जानते हैं, प्लेटो के गुरु हैं, लेकिन जो हेराक्लीट्स हैं और पारमेनिडीज हैं, उनके बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हेराक्लीट्स चेंजिंग की बात करते हैं, पारमेनिडीज जो है ये अनचेंजिंग की बात करते हैं। अब देखते हैं हम किसके क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा क्या है, आइए देखते हैं। ये देखिए, इंग्लिश में भी मैं आपको टिक कर देती हूँ, प्लेटो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री है, फॉर हुम ऑल एक्सिस्टेंट इज सिंपली ए मैटर इन मोशन। अब हिंदी में मैं आपको दिखाती हूँ, समस्त अस्तित्व जो है एकदम गतिशील पदार्थ हैं। ये किसने बोला है? क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन देखते हैं हम, प्लेटो, होब्स, TH ग्रीन, रूसो। अब हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर थ्री का? हमारा राइट आंसर होगा, किसने बोला है कि ये समस्त अस्तित्व जो हैं एकदम गतिशील हैं?
ये बोला है होप्स ने, याद रखिएगा। राइट आंसर हमारा होप्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हम हिंदी, हम इंग्लिश में भी इसमें टिक कर देते हैं, मैटर इन मोशन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। रूसो वोन द प्राइज इज एन एसे कॉन्टेस्ट स्पॉन्सर्ड बाई द एकेडमी ऑफ डाइजन इन 1749 ऑन द सब्जेक्ट। रूसो को जो प्राइज मिला कौन से एसे के कॉन्टेस्ट में मिला, आइए देखते हैं। हैज़ द प्रोग्रेस ऑफ द साइंस एंड द आर्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू करप्ट और प्योरीफाई मोरल्स। बी ऑप्शन हैज़ द प्रोग्रेस ऑफ द साइंस कंट्रीब्यूटेड टू करप्ट मोरल्स। सी ऑप्शन हैज द डेवलपमेंट ऑफ द साइंसेज कंट्रीब्यूट टू करप्ट ऑफ प्योरीफाई मोरल। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। आइए अब मैं आपको हिंदी में दिखाती हूँ। रूसो ने अकेडमी ऑफ डिजोन द्वारा वर्ष, ये देखिए 1749 में एक निबंध प्रतियोगिता में किस विषय पर पुरस्कार पाया था। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, क्या विज्ञान और कला में प्रगति ने आचार को विरस्त या शुद्ध करने में योगदान दिया है। बी ऑप्शन है हमारा, क्या विज्ञान की प्रगति ने आचार को विरस्त करने में योगदान दिया है। सी ऑप्शन है हमारा, क्या विज्ञान के विकास ने आचार को विरस्त या शुद्ध करने में योगदान दिया है। और डी ऑप्शन है हमारा उपयुक्त से कोई नहीं। तो रूसो ने अकेडमी ऑफ डिजोन द्वारा वर्ष 1749 में एक प्राइज जीता और उसमें उसका सब्जेक्ट इसमें पूछा है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फोर्थ का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। रूसो का जो सब्जेक्ट था वो क्या था, क्या विज्ञान और कला में प्रकृति ने आचार को भ्रष्ट या शुद्ध करने में योगदान दिया है, याद रखिएगा, आर्ट एंड साइंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 पर टिक कर देती हूँ। हैज़ द प्रोग्रेस ऑफ द साइंस एंड द आर्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू करप्ट और प्योरीफाई मोरल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स दी हैं, एक है असर्शन एक है रीजन। फॉर द प्लेटो नॉलेज इज नेदर परसेप्शन इज नोर ओपिनियन। रीजन है हमारा, राइट ओपिनियन इज नॉलेज। देखिए ध्यान से देखिए, ऊपर लिखा नॉलेज इज नेदर, तो क्या नीचे राइट ओपिनियन इज नॉलेज होगा। आइए मैं हिंदी में दिखाती हूँ। हिंदी में देखिए 5 क्वेश्चन हमारा, प्लेटो के लिए ज्ञान ना तो प्रत्यक्ष ज्ञान है और ना ही राय है। क्या बोला, सही मत यानी कि राय ज्ञान है। ऊपर तो इन्होंने बोला है कि जो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान है, डायरेक्ट नॉलेज है, वो ना तो मत है और ना रात है, मतलब ना ही राय है। और नीचे बोला है कि सही मत ज्ञान है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट है लेकिन ऑप्शन बी, सॉरी असर्शन तो हमारा ठीक है लेकिन रीजन हमारा गलत है। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर, ये देखिए मैं इंग्लिश में भी टिक कर देती हूँ। ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, क्योंकि आप देख सकते हैं असर्शन में प्लेटो ने क्या बोला है, नॉलेज इज नेदर परसेप्शन नोर ओपिनियन, और नीचे बोला है कि राइट ओपिनियन इज नॉलेज, तो इसलिए सी जो होगा हमारा रॉन्ग होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लॉज ऑफ द डायलेक्टिक ऑफ मार्क्स डज नॉट इंक्लूड। मार्क्स ने जो लॉज ऑफ द डायलेक्टिक जो दिया था उसमें क्या इंक्लूड नहीं है, आइए ऑप्शन देखते हैं। द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी एंड वाइस वर्सा। बी ऑप्शन है हमारा, द लॉ ऑफ द यूनिटी ऑफ अपोजिट। सी ऑप्शन है हमारा, द लॉ ऑफ द नेगोशिएशन ऑफ द नेगोशिएशन। डी ऑप्शन है, डायलेक्टिक इज कन्फाइंड टू इट्स ऑपरेशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट ओनली। आइए हिंदी में देखते हैं इसको। मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति के नियम इन्हें संविष्ट नहीं करते। मार्क्स ने ये डायलेक्टिकल मेथड किससे लिया है, अभी बताते हैं। पहले इसका हम राइट आंसर देखते हैं। देखिए ए ऑप्शन था हमारा, मात्रा का गुणवत्ता में तथा इसके विपरीत रूपांतरण का नियम, विरोधी की एकता का नियम। सी है नकारने को नकारने का नियम, और जो ये डी ऑप्शन है हमारा, ये होगा हमारा राइट आंसर। क्योंकि मार्क्स ने जो है द्वंद्वात्मक पद्धति के जो नियम बताए हैं वो ये तीन बताए हैं, ए बी सी, ये तीनों ऑप्शन जो है ये तीन बताए हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, मात्रा का गुणवत्ता में तथा इसके विपरीत रूपांतरण का नियम, विरोधी की एकता का नियम, नकारने को नकारने का नियम।
मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति के ये तीन नियम है और आप तीनों को याद कर सकते हो। और ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये यहाँ पर रोंग दिया है। देखिए इंग्लिश में मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए फर्स्ट ए बी सी ये तीनों जो हैं मार्क्स के लॉ ऑफ द डायलेक्टिक हैं, इनको नोट करिएगा। और ऑप्शन नंबर डी रोंग है। और ये जो डायलेक्टिक मेथड है ये किससे लिया है मार्क्स ने, ये लिया है हीगल से। अब देखिए, अब देखते हैं हम, हु सेड लेनिनिज्म इज मार्क्सिज्म ऑफ द एरा ऑफ इंपीरियलिज्म एंड ऑफ द प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन, ये किसने बोला है, हिंदी में दिखाते हैं। लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग और चिरंजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है। लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और चिरंजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है। ऑप्शन देखिए, मार्क्स, लेनिन, स्टालिन और माओ। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा स्टालिन, क्योंकि लेनिनवाद, लेनिन खुद तो अपने थॉट्स का मतलब वो नहीं कर सकते, कोई जो दूसरा करता है उसी को क्या बोलते हैं, लेनिनवाद। जो लेनिन के विचार थे उसी को। अब पहले मैं आपको स्टालिन के बारे में थोड़ा बताती हूँ। स्टालिन जो थे ये रूस के थे, और ये इन्होंने क्या किया वहाँ पर, ओनली इंडस्ट्री जो थी, इंडस्ट्रियल जो एक कैटेगरी थी, जो औद्योगीकरण था, उसी को बढ़ावा दिया। और इन्होंने किसको इग्नोर किया, फार्मर्स जो थे वहाँ पर उन्हें इग्नोर किया। लेकिन इसके बाद जो माओ हैं, ये माओ हैं चाइना के साम्राज्य, इन्हें बोला जाता है कि इन्होंने समाजवादी राज्य की स्थापना की। और माओ ने बोला है कि समाज में जो है अनंत काल तक विरोध बने रहेंगे, इसीलिए इन्होंने एंटागोनिस्टिक और गोनिस्टिक थ्योरी भी दी है, याद रखिएगा। और कल्चर रेवोल्यूशन जो है इनका 1966 से 76 तक चला। मार्क्स की अगर बात करें तो मार्क्स जो हैं ये कैपिटलिज्म को ये ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि कैपिटलिज्म में क्या होता है, सोसाइटी को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता, एक क्या है प्रोलेटेरियट और एक दूसरी किसकी है, जिसमें प्रोलेटेरियट में कौन आते हैं, किसान लोग, और दूसरी कौन सी है, बुर्जुआ, जिसमें जो आते हैं जमींदार लोग आते हैं। इस तरीके से मार्क्स ने क्या किया, पूंजीवाद को ख़त्म करने की बात की। और लेनिन जो है इन्होंने क्या बोला है, इंपीरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ये लेनिन जो है इन्होंने मार्क्स को, ये जो मार्क्स हैं कार्ल मार्क्स, इनके सारे विचारों को क्या क्या है, एक्सेप्ट किया है, और उसी को लेकर ये आगे बढ़े हैं। आई होप आपको चारों ऑप्शन का क्लेरिफिकेशन आपको समझ आया होगा। लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और चिरंजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है, ये बोला है स्टालिन ने। और बाकी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इन तीनों के बारे में भी बता दिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर एट है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंस। इसमें करेक्ट सिक्वेंस पूछा है किस चीज़ का, बिहेवियरलिज्म का, एडवोकेट बाई डेविड ईस्टन द्वारा ये एडवोकेट किया गया। आप याद रखिएगा, बिहेवियरलिज्म किसके द्वारा आया, डेविड ईस्टन के, लेकिन जो इसे फर्स्ट टाइम लेकर आए थे वो थे चार्ल्स मेरियम, लेकिन डेविड ईस्टन ने इसको और ब्रॉड लेवल पर आगे बढ़ाया। इसके जो ये दिया है और इसको सिक्वेंस से लगाना है कि उन्होंने कैसे कैसे बताया, रेगुलरिटीज, टेक्निक्स, क्वांटिफिकेशन, वर्टिफिकेशन। पहले हम इसको सिक्वेंस से लगाते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये इन्होंने कितने दिए और ये कैसे कैसे हैं। सबसे पहले जो इसमें आएगा वो आएगा रेगुलरिटीज। तो देखिए हमारा सारा चारों ऑप्शन में क्या है, 111 दिया है। अब हम देखेंगे सेकंड नंबर पर हमारा क्या आएगा, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन फोर्थ हमारा कहाँ पर है, वी ऑप्शन में। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, वी। और थर्ड पर हमारा क्या है, क्वांटिफिकेशन। और फोर्थ पर हमारा क्या है, टेक्निक्स। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो डेविड ईस्टन ने बिहेवियरलिज्म दिया है इसमें कितने वो बताए हैं इन्होंने, इसके सिक्वेंस में जो लगाने के लिए बोला है, इसकी जो ये विशेषताएं हैं इसमें बताया है इन्होंने, टोटल कितने हैं, ये आठ, याद रखिएगा ये आठ हैं। देखिए चार यहाँ पर दिए हैं, रेगुलरिटीज, टेक्निक्स, क्वांटिफिकेशन, वर्टिफिकेशन। और अभी मैं आपको चार बताने वाली हूँ, इसे हमने सिक्वेंस से लगाया। फर्स्ट पर है हमारा रेगुलरिटीज, सेकेंड पर है हमारा वर्टिफिकेशन, थर्ड पर है टेक्निक्स और हमारा फोर्थ पर क्या है, क्वांटिफिकेशन। अब आप फिफ्थ से नोट कीजिएगा, फिफ्थ टू एट में आपको बोल रही हूँ। फिफ्थ है हमारा वैल्यूज़, सिक्स है हमारा सिस्टमाइलेजेशन, सेवन है हमारा प्योर साइंस, और एट है हमारा इंटीग्रेशन। डेविड ईस्टन ने पोस्ट बिहेवियरलिज्म के सेवन
सेवन विशेषताएं बताई हैं उसकी, और डेविड और बिहेवियरलिज्म की एट बताई हैं, जो कि एट मैंने आपको नोट करा दी। फोर तो ये है हमारी, और मैंने इसको सिक्वेंस में भी लगवा दिया, और फोर जो मैं आपको 5, 6, 7, 8 बताने वाली हूँ, एक बार फिर से बताती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। वैल्यू, सिस्टमेटिक, प्योर साइंस, इंटीग्रेशन। आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 9। इन विच प्लेस ऑफ साउथ अफ्रीका डिड गांधी जी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज मास प्रोटेस्ट। गांधी जी ने फर्स्ट टाइम जो ऑर्गेनाइज किया था मास प्रोटेस्ट अफ्रीका में, वो कहाँ पर था साउथ अफ्रीका में? केप टाउन, जोहान्सबर्ग, सुएटो, प्रिटोरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा जोहान्सबर्ग, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए 9 का जोहान्सबर्ग। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है हमारा लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया है, इसको मैं थोड़ा साइज वो कर लेती हूँ ताकि दिखाई दे। अब हमें इसे मैच करना है, आइए हम मैच करते हैं। पहले देखिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2, इसमें ऑथर दिए हैं और बुक्स दी हैं। चार्ल्स ई मेरियम, इनकी जो बुक का नाम है वो है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ए का थ्री। अब देखेंगे हम ए का थ्री कहाँ पर है हमारा, ए का थ्री हमारा ए ऑप्शन में है और कहीं पर भी नहीं है, इसलिए देखिए एक ही ऑप्शन से इसका राइट आंसर आ गया कि चार्ल्स मेरियम का न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, हर एग्जाम में पूछी जाती है, आप याद रखिएगा। लेकिन हमें सबको मैच करना है हेंज यूलाओ, इनकी बुक का नाम है द बिहेवियरल पर्सुएशन इन पॉलिटिक्स। लियो स्ट्रास की बुक का नाम क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी एंड अदर स्टडीज। डी टूरुमैन की बुक का नाम क्या है, द गवर्नमेंटल प्रोसेस। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनको याद रखिएगा। चार्ल्स मेरियम की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर्स आर जनरली रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ फिलोसफिकल अप्रोच। पॉलिटिकल थिंकर्स जिन्होंने जनरली अप्रोच किया, ये देखिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बुक्स हमारी हिंदी और इंग्लिश में सेम रहती है, इसलिए मैंने आपको हिंदी नहीं दिखाया। ये देखिए एकदम सेम है, ऐसे ही इंग्लिश में देखने को मिलेगा, ऐसा ही आपको हिंदी में मिलेगा। इसमें पूछा है कि सामान्यतः दार्शनिक उपागम का संस्थापक किसे समझा जाता है, प्लेटो एवं अरस्तु, होब्स लॉक रूसो, जेरेमी बेंथम एवं जेएस मिल, कांट, हीगल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, प्लेटो एवं अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए रिगार्डेड किए जाते हैं फाउंडर ऑफ फिलोसफिकल अप्रोच, प्लेटो एंड अरिस्टोटल, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेबर्स आइडियल ब्यूरोक्रेसी। आइडियल ब्यूरोक्रेसी के करेक्टरिस्टिक पूछे हैं कि इसमें क्या क्या बताया है वेबर ने। आइए देखते हैं हम स्टाफ एंड लाइन, इम्पर्सनालिटी, हेरार्की, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑप्शन हमारे दिए हैं 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 1 and 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा, देखिए बेवर ने क्या बताया है, हेरार्की को बताया है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इनफॉर्मल नहीं बताया है, इम्पर्सनालिटी और हेरार्की। एक मिनट, हमारा राइट आंसर होगा, देखिए बेवर ने नहीं बताया है, स्टाफ और लाइन ने ही बताया है, तो ए को हम कट करेंगे, ए इधर भी है और इधर भी। अब हमारे पास ऑप्शन बचे बी एंड सी, और हेरार्की को बताया है, तो हेरार्की है हमारा, इनफॉर्मल उन्होंने नहीं बताया है, याद रखिएगा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगर बेवर की ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करें, तो बेवर ने कितने टाइप की ब्यूरोक्रेसी बताई है, याद रखिएगा, बेवर ने 3 टाइप की ब्यूरोक्रेसी बताई है। एक है हमारी ट्रेडिशनल, दूसरी है हमारी क्रिस्मेटिक, तीसरी है हमारी लीगल, और इन्होंने जो सबसे बेस्ट बताई है वो क्या है, वो है लीगल, याद रखिएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन आलमेन एंड वर्वा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर्स। क्लासिफिकेशन पूछा है आलमेन एंड वर्वा का, कंगनेटिव, अफेक्टिव, एवलुएटिव,
इम्पीरिकल। तो याद रखिएगा, ये जो आलमंड एंड वर्मा है, इन्होंने पॉलिटिकल कल्चर को क्लासिफाई किया है, और इन्होंने कितने टाइप का बताया, 3 टाइप का, और इसमें कौन कौन से हैं, इफेक्टिव, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, इवेलुएटिव, और कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, इम्पीरिकल। राइट आंसर क्या होगा 13 का, इम्पीरिकल ओरिएंटेशन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, नोट पूछा है। अगर ये पूछते कि कौन कौन से हैं, तो हमारा ए बी सी तीनों करेक्ट होता। इनको आप नोट कर लीजिएगा, आमंड एंड वर्मा के क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, एवेलुएटिव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है असर्शन एंड रीजन। डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक दोज हु कंडीशन अदर एंड दोज हु आर कंडीशन बाई अदर। डिपेंडेंसी इज डिपेंडेड ऑन द कोर पेरीफेरी रिलेशनशिप ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। डिपेंडेंसी जो है, ये डिपेंड है किस पर, कोर ऑफ पेरीफेरी रिलेशनशिप पर, किस चीज़ में, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में। क्योंकि आपको मैंने डिपेंडेंसी थ्योरी लास्ट जो क्वेश्चन पेपर कराए हैं उसमें भी बताया था कि ये कोर पेरीफेरी जो होते हैं, ये डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं, और जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं वो अंडर डेवलप्ड पर डिपेंड होती हैं, और जो मतलब डिपेंडेड होती हैं वो भी अंडर डेवलप्ड से अपनी मतलब कच्चा माल वगैरह इस टाइप की चीज़ें लेती हैं, एक दूसरे पर ये क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो ये क्या है, डिपेंडेंसी इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा, हु कंडीशन अदर एंड दोज, यानी वो एक दूसरे के कंडीशन में पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका असर्शन और एंड रीजन दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर होगा ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखिए मैं हिंदी में दिखा देती हूँ, डिफिडेंसी को हिंदी में बोलेंगे परास्थिरता अर्थव्यवस्था, वो जो दूसरों को प्रभावित करती हैं और जो दूसरों द्वारा प्रभावित होती हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड दोनों एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होती हैं। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हु सेड ए स्टेट इज ह्यूमन एक्टिविटी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स द मोनोपोली ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद अ गिवन टेरिटरी। ये किसने बोला है कि स्टेट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, हिंदी में दिखा देती हूँ मैं आपको कि स्टेट क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी है, मानवीय गतिविधि है, जो क्या देती है, प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के भेद के उपयोग के एक अधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। तो ये किसने बोला है, क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वेबर। ये किसने बोला है, मैक्स वेबर ने और किस चीज़ की बात की है, ब्यूरोक्रेसी की, याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इतना याद रखिएगा, मतलब स्टेट को ह्यूमन एक्टिविटी किसने बताया है, मैक्स वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द ट्रेडिशनल अप्रोच टू द कंपेरेटिव पॉलिटिक्स नेग्लेक्टेड। ट्रेडिशनल अप्रोचेस के बारे में पूछा है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा रखा है ट्रेडिशनल अप्रोच का। इसमें क्या क्या हुआ था, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट हुआ था, इंस्टीट्यूशनल स्टडीज हुआ था, कंपेरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, लेकिन क्या नहीं हुआ था, किस चीज़ को नेग्लेक्ट किया था उन्होंने, इंपीरिकल इन्वेस्टिगेशंस को। क्योंकि ये कब हुआ था, ये हमारे मॉडर्न अप्रोच में आएगा, याद रखिएगा, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशनल स्टडीज और कंपेरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कंपेरिजन किया था, जैसे कि ट्रेडिशनल अप्रोच आप जाकर वीडियो देखिएगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ट्रेडिशनल में कौन आते हैं, अरिस्टोटल आते हैं हमारे, उन्होंने कंपेरिजन किया है 158 कॉन्स्टिट्यूशन का। इस तरीके से आप देखेंगे वीडियो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इसको हमें मैच करना है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम टू राउंड ऑफ सिस्टम लिस्ट सिस्टम ट्रांसफॉर्मल वोट सिस्टम, इसको मैच करना है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहाँ पर है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का, ये है हमारा इंडिया में। टू राउंड सिस्टम हमारा कहाँ पर है, इजिप्ट में। लिस्ट सिस्टम हमारा कहाँ पर है, ब्राज़ील में।
और सिंगल फेयरवेल वोट सिस्टम कहाँ पर है? आयरलैंड में। याद रखिएगा 17 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमारा है इंडिया का, टू राउंड ऑफ सिस्टम है हमारा इजिप्ट का, लिस्ट सिस्टम है हमारा ब्राज़ील का, और सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोट सिस्टम है हमारा आयरलैंड का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में भी हमारा लिस्ट है और यहाँ पर बुक्स हैं और ऑथर्स हैं। आइए देखते हैं, हम मैच करते हैं इनको। फर्स्ट है हमारा बुक्स, सेकंड लिस्ट है हमारी ऑथर्स की। फर्स्ट बुक है हमारी इंटरेस्ट ग्रुप इन अमेरिकन सोसाइटी, सेकंड है इंटरेस्ट ग्रुप ऑफ फोर कंटिनेंट्स एनोनियम्स, एम्पायर है सी वाला, और डी है हमारा ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली बुक्स है उसका पहले मैं आपको बताती हूँ, ये है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स ग्राहम बलास की। डी का थ्री हमारा कहाँ पर है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमारा डी का थ्री है, लेकिन हमें सारे मैच करने होंगे। अब हम देखेंगे इंटरेस्ट ग्रुप्स इन अमेरिकन सोसाइटी, ये किसका है, ये है जिगलर का, एच जिगलर। ए का टू, इंटरेस्ट ग्रुप ऑफ फोर कंटिनेंट्स, ये एस डब्ल्यू ए रहमान। एनोनिम्स एम्पायर, ये किसका है, ये है सैमुअल फाइनर का। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज स्टडीज एमंग अदर पब्लिक ओपिनियन एंड पीपल पॉलिटिकल च्वाइस। ऐसा कौन सा अप्रोचेज है जिसमें स्टडी की गई है पब्लिक ओपिनियन की और पीपल पॉलिटिकल च्वाइस की। पॉलिटिकल फिलोसफिकल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच और लीगल अप्रोच। जहाँ पर पब्लिक के ओपिनियन की स्टडी की जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बिहेवियरल बोलेंगे, क्योंकि व्यवहार में आएगा वो हमारे। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। जहाँ पर चॉइस की ओपिनियन की बात की जाए तो वो कौन सा अप्रोच होगा, वो कैसा होगा हमारा, बिहेवियरल अप्रोच। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 में हमारी लिस्ट दिया है, लिस्ट वन है और लिस्ट टू है। लिस्ट वन और लिस्ट टू में हमें मैच करना है। लिस्ट वन में है हमारा पॉलिटिकल कल्चर और लिस्ट टू में हमारा कंट्रीज। देखिए होमोजीनियस, इलाइट, सब्जेक्ट पॉलिटिकल और पेरोरियल कल्चर। अब इसके बारे में मैं थोड़ा बताती हूँ आपको। होमोजीनियस जो है, होमोजीनियस का मतलब होता है जहाँ पर डाइवर्सिटी पाई जाए, वहाँ पर डिफरेंट टाइप का कल्चर हो, डिफरेंट टाइप के मतलब वहाँ पर लोग रहते हों, डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल हो, डिफरेंट उनकी ड्रेसेस हो, तो इस तरीके के कल्चर को क्या कहते हैं हम, होमोजीनियस। और ये हमारा कहाँ पर होता है, इंडिया में। एक थ्री। अब हम उसकी बात करेंगे सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, ये हमारा कहाँ पर है, जहाँ सब्जेक्ट की बात की जाए। सबसे पहले मैं आपको पेरोरियल बताती हूँ। पेरोरियल जो होता है इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा कल्चर जहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं वो लिमिटेड अवेयरनेस होती है उन्हें, किसके बारे में, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। तो ये ऐसे मतलब सिटीजन्स कहाँ पर हैं, ये हैं युगांडा में। ए का थ्री और डी का वन। पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से देखिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ज़रूर हमारा कैंसिल हुआ होगा, क्योंकि देखिए होमोजीनियस इंडिया, पेरोरियल युगांडा, सब्जेक्ट की बात करें तो हम यूके। सी का टू, डी का वन, ए का थ्री और इलाइट मासेस चाइना। ठीक है, ये है हमारा सी। डी का वन यहाँ पर है और सी का थ्री यहाँ पर है। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि होमोजीनियस इंडिया, पेरोरियल युगांडा। और पेरोरियल की बात करूँ तो मैं कहाँ, कैसी है ये, कैसा कल्चर है, यहाँ पर जो लोग होते हैं उनको मतलब जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके बारे में वो ज़्यादा अवेयर नहीं होते, एक लिमिटेड अवेयरनेस होती है उनके पास। सब्जेक्ट की बात करूँ तो ये एक सब्जेक्ट को लेकर होती है, और जैसे कि यूके में आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो चलता है किंग का वो चलता है कि वंश परंपरा के आधार पर। इलाइट में क्या होते हैं कि एक मतलब रूल वाले होते हैं, एक शासक होते हैं और एक शासित होते हैं।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 का है प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो इसमें देखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मतलब इसमें ये पूछा है कि ऐसा कौन सा पेयर है जो करेक्ट नहीं है। फर्स्ट है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर आर एस राधाकृष्णन, और सेकंड है हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीबी गिरी, और थर्ड है हमारे संजीव रेड्डी बी डी जत्ती, और फोर्थ है हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन। संजीव रेड्डी के टाइम पर जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा, अभी मैं आपको बताती हूँ कि इनके टाइम पर जो ये हमारा रोंग है, संजीव रेड्डी और बी डी जत्ती, इसका मैं आपको क्लियर करती हूँ कि इस टाइम पर जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, मतलब वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के टाइम थे डॉक्टर आर एस राधाकृष्णन, और जाकिर हुसैन के टाइम थे वी बी गिरी, और संजीव रेड्डी के टाइम पर ये मैं देखकर आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, उसके बाद बताती हूँ, अभी मेरा ये स्किप हो गया माइंड से। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये कितना है हमारा फिक्स किया गया है, 10%, 12%, 15%, 16%। तो 22 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 15%। याद रखिएगा 22 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 23 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैनली एसोसिएटेड विथ पंचायती राज इन ट्राइबल एरिया। ऐसी कौन सा, मतलब इसमें मैनली एसोसिएटेड जो ये कमेटी दी गई है ये कौन सी एसोसिएटेड है किससे, पंचायती राज ट्राइबल एरिया से? तो ये देखिए, पी के थुंगन कमेटी, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी, सादिक अली कमेटी, ढूमरी लाल वैठा कमेटी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा 23 का वो क्या होगा, 23 का राइट आंसर हमारा होगा पंचायती राज में जो ट्राइबल एरिया की बात की है वो किसने की है, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी ने। और अगर मैं पी के थुंगन कमेटी की बात करूं तो ये 1988 की है, और ये पंचायती राज को एक लीगल ये बोलता है कि पंचायती राज को एक लीगल स्टेटस मिलना चाहिए। और सादिक अली कमेटी की बात करूं तो ये 1964 की है, ये भी पंचायती राज में सुझाव देने हेतु बनाई गई थी, और ये कहाँ बनाई गई थी, राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ये देखिए मैं हिंदी में भी टिक कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, ये जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ये हिंदी और इंग्लिश में सेम होते हैं, इसलिए मैं आपको नहीं दिखाती। ये जो मैंने राजनीति कल्चर का बताया था कि लोगों के राजनीतिक विकल्पों चॉइस का और उनके बिहेवियरल का जो स्टडी की जाती है वो कौन सा होता है, बिहेवियरल अप्रोच होता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, ये हमने ये देखिए ये मैंने बताया था आपको, ये भी मैच किया था, इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी था हमारा 20 का राइट आंसर। और इसका हमारा जो रॉन्ग पेयर था वो था हमारा संजीव रेड्डी, और इसका जो हमारा राइट आंसर था, राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या कितना होना चाहिए संविधान द्वारा, यह है 15%। और ये ट्राइबल एरिया से रिलेटेड, जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड पंचायती राज में ये कौन थे, दिलीप सिंह भूरिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट हमारा 24 है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग रीड्स इन द करेक्ट सिक्वेंस एज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिक्वेंस से लगाना है रिट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो दी गई है, सर्टोरी, हेवियस कॉर्पस, क्वावरेंटो, प्रिविशन, मैंडमस। तो इसकी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, सिर्फ आपको 5 अल्फ़ाबेट याद रखने हैं और आपको ये आसानी से आप ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 5 हमारे क्या अल्फ़ाबेट हैं, एच एम पी सी क्यू, एक बार ध्यान से सुनिएगा, एच एम पी सी क्यू। अब आप देखिएगा एच कहाँ पर है हमारा, सेकेंड पर, और सेकेंड ऑप्शन हमारे कहाँ पर है, सेकेंड हमारा 2 में दिया है। उसके बाद एम हमारा कहाँ पर है, 5 कहाँ पर है, देखिए एच एम पी सी क्यू, देखिए हमारा राइट आंसर आ गया। एच से हमारा हैवियस कॉर्पस, बी से हमारा, एम से हमारा मैंडमस, पी से हमारा प्रोविजन, सी से हमारा सर्टियोरी, और
क्यू से हमारा क्यूवारंटो, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं एच एम पी सी क्यू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अरेंज द फॉलोइंग इन दियर क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस, इसको मतलब सिक्वेंस से लगाना है। सबसे पहले क्रिप्स मिशन हमारा कब का है, 1942 का। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट हमारी कब की है, 1919 की। साइमन कमीशन कब आया, 1930। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया, 1999 में। अब इस तरीके से हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा आएगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, क्योंकि 99 में आया। फोर हमारा कहाँ पर है, सिर्फ बी ऑप्शन में। ये देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सबसे पहले मॉर्ले मिंटो आया 99 में, उसके बाद आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1999 में, 1819 में के टाइम आया साइमन कमीशन, 1930 में, सबसे एंड में क्या आया हमारा क्रिप्स मिशन 1942 में। राइट आंसर हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। फिर से लिस्ट दिया है, ये पार्टीज हैं और ये हैं करेक्टरिस्टिक, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। आइए इसको मैच करते हैं हम। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको बोला जाता है अम्ब्रेला पार्टी, तेलुगु देशम क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए टीडीपी को क्या बोलेंगे हम, टीडीपी कहाँ की है हमारी, एक ये कैसी पार्टी है, रीजनल पार्टी, क्योंकि ये कहाँ की है टीडीपी, एक मिनट मैं इसको ठीक कर देती हूँ। टीडीपी कहाँ की है, ये टीडीपी हमारी आंध्र प्रदेश की है, याद रखिएगा ये रीजनल पार्टी है। ए का थ्री और बी का फोर हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में, ए का थ्री बी का फोर। अब उसके बाद केरला कांग्रेस हमारी कहाँ की है, केरला कांग्रेस है हमारी स्टेट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPM, ये कहाँ का है, CPIM मार्क्सिस्ट, ये कैसी है, नेशनल पार्टी है। इस तरीके से आप याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस को अम्ब्रेला पार्टी क्यों बोलते थे, क्योंकि इसमें सारी पार्टी जो थी समाहित थी। TDP की अगर हम बात करें तो ये कब बनी थी, ये 1982 में बनी थी, एंटी रामा राव के द्वारा बनाई गई थी। केरल कांग्रेस की बात करें तो ये कब बनाई गई थी, ये 1964 में, और किसके द्वारा, KM जॉर्ज के द्वारा, याद रखिएगा। और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, ये क्या था, ये हमारी CPI कब बनी, 1925 में, लेकिन 1964 में ये स्प्लिट हो गई, इसके दो पार्ट हो गए, एक बन गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आई और एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और ये मार्क्सिस्ट वाली जो बनी हमारी 1964 में, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज डिनाउंस वाई कांग्रेस एज इंडिक्वेट अनसेटिस्फैक्टरी एंड डिसअपॉइंटिंग। इसमें देखिए मैं आपको हिंदी दिखाती हूँ, ऐसा कौन सा हमारा वो जिसको क्या बोला गया, एक मिनट हिंदी में दिखाती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 27, ये जो कांग्रेस द्वारा किसकी अपर्याप्त असंतोषजनक और निराशाजनक मानकर निंदा की गई थी, कौन सा ऐसा हमारा एक्ट था जिसकी निंदा की गई, किसके द्वारा, कांग्रेस द्वारा। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ, भारतीय शासन परिषद अधिनियम 99, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918, साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930, सांप्रदायिक पंचायत 1932। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। इसकी निंदा क्यों की गई, क्योंकि ये जो एक्ट आया इसमें वादा किया गया था कि जितने भी इंडियंस हैं उनको मतलब राजनीतिक शक्ति दी जाएगी, पॉलिटिकल पावर देने की बात की गई, लेकिन एक्चुअल में क्या था, जितनी भी पावर्स थी वो ब्रिटिशर के हाथ में ही थी, तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया कांग्रेस द्वारा। और मोतीलाल नेहरू ने क्या बोला था कि ऐसा लगता है कि जिस एक हाथ से दिया था उसी दूसरे हाथ से इन लोगों ने छीन लिया, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें ब्रिटिशर ने सिर्फ एक वादा किया था जो कि दिया नहीं था, वो सारी शक्तियाँ किसके हाथ में थी, ब्रिटिशर के हाथ में थी, जिससे कांग्रेस ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया और इसकी निंदा की। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28, ये देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918।
अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 में है, असर्शन एंड रीजन। ए फेडरल अरेंजमेंट एंड री कौंसलिंग फ्रीडम विद यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर एंड आइडेंटिटीज बीन इफेक्टिव कलेक्टिव एक्शन। रीजन है हमारा, इंडिया ऑप्टेड फॉर ए प्लूरिस्टिक मॉडल ऑफ नेशन बिल्डिंग। हिंदी में देख लेते हैं इसको, फेडरलिज्म संघात्मक व्यवस्थापन का लक्ष्य एकता और राजनीतिक संस्कृतियां पहचानने की विविधता के साथ स्वतंत्रता का प्रभावशील सामूहिक कार्यवाही के साथ सामंजस्य करना है। कारण में बात की गई है, भारत ने राष्ट्र निर्माण के बहुलवादी प्रारूप को चुना, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, 28 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, नहीं इसका इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये इसकी राइट आर जो है इसकी सही व्याख्या है। 28 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि भारत ने राष्ट्र निर्माण के लिए किस रूप को चुना, बहुलवादी को। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा असर्शन और रीजन। वर्क ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर एडोप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। रीजन हमारा, द कांग्रेस पार्टी पास्ट ए रेजोल्यूशन एडोप्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बेसिस टू द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, आइए पहले हम देख लेते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के काफी प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 अपनाया गया, ये तो बात ठीक है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ने भारत सरकार अधिनियम को संविधान के आधार के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया था? ये जो होगा हमारा रोंग होगा, क्योंकि कांग्रेस ने नहीं, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1935 का जो था ये अपनाने का प्रस्ताव पारित किया था। ये अधिनियम जो हमारा किसने बनाया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था 1935 का, कांग्रेस ने नहीं बनाया था। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, 29 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि कांग्रेस के बनाने का प्रस्ताव इन्होंने नहीं दिया था। और ये जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा जो प्रावधान लिए गए वो कहाँ से लिए गए, 1935 के अधिनियम से, और 1935 का अधिनियम कहाँ का था, ये ब्रिटिशर द्वारा बनाया गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 में लिस्ट दिया है और इसमें आर्टिकल्स हैं और प्रोविजंस हैं, इसको हमें मैच करना है। देखिए लिस्ट वन में आर्टिकल और इधर प्रोविजन, देखिए सबसे पहले है हमारा 359, तो ये हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है, ये है हमारा सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, 280 फाइनेंस कमीशन, 360 फाइनेंस इमरजेंसी। डी का वन कहाँ पर है, डी का वन ए ऑप्शन में। ए का थ्री कहाँ पर है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ए ऑप्शन में। 314 का क्या है, ऑल इंडिया सर्विस, बी का फोर। 280 फाइनेंस कमीशन, याद रखिएगा जो ये हमारी इमरजेंसी है ये कितने टाइप की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन टाइप की इमरजेंसी बताई गई है, याद रखिएगा। सबसे पहली नेशनल इमरजेंसी, दूसरी है हमारी स्टेट इमरजेंसी, और तीसरी है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, और यहाँ पर जो पूछी है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31, क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज क्रिएटेड 18 डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पुट देम इन फोर कैटेगरी, पॉलिटिकल, लीगल, ऑक्यूपेशनल एंड मैनेजेरियल। 18 डेफिनेशन और ये जो फोर कैटेगरी दी है ये किसने बताई है, गुलिक एंड उर्विक, सेफर्टिज एंड रसल, डेविड रोसेन ब्लूम, पोल एच एपलवी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेफर्टिज एंड रसल, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इन्होंने क्या बताया है, डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और कितनी डेफिनेशन बताई है, 18, और कितनी कैटेगरी बताई है, 4, पॉलिटिकल, लीगल, ऑक्यूपेशनल एंड मैनेजेरियल। क्वेश्चन नंबर 32 हम देखते हैं, 32 है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट मेड ए डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट। इसमें ऐसे कौन से हैं जो पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्टिंक्शन यानी कि अंतर नहीं करते हैं,
ऑप्शन हमारा ए है हेनरी फेओल, ऑप्शन बी है हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन सी है पोल एच एफलबी, ऑप्शन डी है जॉन गोस। देखिए अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होगी, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर वीडियो बना रखी है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कौन इसमें सिमिलरिटीज बताते हैं, कौन इसमें डिस्टिंक्शन बताते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्ले लिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो 32 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हेनरी फेओल, क्योंकि इन्होंने नहीं बताया है, हैज नॉट, ये सिमिलरिटीज की बात करते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33। 33 में हमारा क्या है, ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछा है, किस किस का, ए डी गोरवाला रिपोर्ट, पी एच एपलबी रिपोर्ट, संथानम कमेटी रिपोर्ट, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट। तो जो ये हमारी सबसे पहले ए डी गोरवाला रिपोर्ट, ये हमारी कब की है, 1951 की, याद रखिएगा सबसे पहले हमारी आएगी। अब ये दो ऑप्शन में है, ए सी और डी तीन में है। उसके बाद पोल एच एपलबी रिपोर्ट हमारी कब की है, 1953 की। उसके बाद आएगा हमारा टू, तो टू हमारा कहाँ पर है, वन के बाद टू हमारा है ऑप्शन नंबर ए में। संथानम कमेटी रिपोर्ट हमारी कब की है, मतलब संथानम कमेटी ने रिपोर्ट जो थी वो कब दी थी, 1976 में। और ये जो हमारा फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ARC हमारा कब का है, ये है हमारा 1977। ये रिपोर्ट की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। और हमारा राइट आंसर होगा 33 का ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं 34। मैक्स वेबर यूज द ग्रीक वर्ड करिज्मा। ये करिज्मा जो ग्रीक वर्ड है वो किसके लिए यूज करते हैं। देखिए मैंने अभी अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन किया है उसमें मैंने आपको बताया था कि मैक्स वेबर ने कितने प्रकार की ब्यूरोक्रेसी की बात की, तीन प्रकार की, ट्रेडिशनल, क्रिज्मेटिक और लीगल। अब ये देखिए क्रिज्मेटिक से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। पहले स्टेटमेंट देखेंगे हम, क्वालिटीज एक्वायर्ड बाय एक्सपीरियंस, इनहेरिटेड क्वालिटीज, सुपर नेचुरल क्वालिटीज, सुपर ह्यूमन क्वालिटीज। तो जो मैक्स वेबर की करिश्मा से मतलब है करिश्माई, आप बोलते हैं ना कि किसी को भी कि इसने तो बहुत ही करिश्मा किया है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, सुपर नेचुरल क्वालिटीज, सुपर ह्यूमन क्वालिटीज। 34 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, 3 और 4 कहाँ पर है, 3 और 4 है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का वेस क्या नहीं है, फंक्शन, प्रोसेस, बजट, क्लाइंट। तो इसका जो वेसेस नहीं है वो क्या नहीं है, बजट, क्योंकि फंक्शन हो, फंक्शन होने चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए और क्लाइंट होने चाहिए। इसका जो वेस, बजट को वेस नहीं माना गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिया। इसमें से क्या करेक्ट नहीं है, नोट पूछा है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। टैक्स कैन बी लिवाइड एक्सेप्ट बाई अथॉरिटी ऑफ लॉ। नो एक्सपेंडिचर कैन बी इंक्वायर फ्रॉम पब्लिक फंड एक्सेप्ट इन द मेनर प्रोवाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन एकोरेंडेंस विद लॉ। एग्जीक्यूटिव इज बाउंड टू स्पेंड मनी इन द मेनर एज सैंक्शन बाई पार्लियामेंट। और डी ऑप्शन है हमारा नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा 36 का, 36 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले हम इसको 36 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टैक्स कैन बी लिवीड एक्सेप्ट वाई अथॉरिटी ऑफ लॉ। हिंदी दिखा देती हूँ मैं 36 की आपको, कि कानूनी अनुमति को छोड़कर अन्य के द्वारा कर लगाया जा सकता है। लोक निधियों से कोई वे नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जाता, किया जा सकता है सिवाय संविधान में प्रदान किए गए तरीके और कानून के अनुरूप। तो ये सही है, क्योंकि किसके सिवाय, किसके अलावा, संविधान में प्रदत्त और कानून के अनुरूप। संसद द्वारा स्वीकृत तरीके से के अनुसार ही कार्यपालिका धन को व्यय करने के लिए बाध्य है, तो ये भी हमारा ठीक है। और क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा है, नहीं पूछा है, तो इसलिए क्या होगा, कानूनी अनुमति को छोड़कर अन्य के द्वारा कर लगाया जा सकता है, ये हमारा रोंग है। इस तरीके से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में हमारा दिया है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2।
इसको हमें मैच करना है। हायरार्की किसने बताया है? हायरार्की हमारा किस चीज़ में आता है? हायरार्की हमारा आता है स्केलर प्रोसेस में। और रिपोर्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1951 अभी हमने आपको बताया था, ये किसने दी थी? एसटी गोरवाला। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन इन इंडियन सिविल सर्विसेज ये किसका है? कोठारी, डीएस कोठारी, केएस कोठारी। ऑक्सिलरी एजेंसी ये है हाउसकीपिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हायरार्की स्केलर प्रोसेस 3 है हमारा ए का सी ऑप्शन में, और हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, क्योंकि हमारी रिपोर्ट जो आई थी गोरवाला रिपोर्ट, एडी गोरवाला, अभी देखिए पीछे भी इसका ईयर पूछा था सिक्वेंस में लगाने के लिए, तो ये आई थी 1951 में, और हमारी जो ये एग्जामिनेशन इन इंडियन सिविल सर्विसेज ये डॉक्टर के एस कोठारी। ऑक्सिलरी एजेंसी ये इसमें आती है हाउसकीपिंग। अगर मैं एजेंसी की बात करूँ तो ये स्टाफ लाइन एजेंसी आपने पढ़ी होंगी, स्टाफ में आती हैं जैसे एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव या जो मैनेजर वगैरह होते हैं, मैनेजेरियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और जो लाइन होते हैं उनका काम क्या होता है कि जो स्टाफ होता है उसको हेल्प कराना, और उसको मतलब जो गोल होता है उसको अचीवमेंट कराने में उनकी हेल्प करना। और जो ये हमारी ऑक्सिलरी एजेंसी होती हैं ये होती हैं हाउस कीपिंग में, जैसे वाटर, एजुकेशन, इसमें इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके की सारा कुछ आता है। एजेंसी कितनी होती है हमारी? 3 टाइप की, लाइन, स्टाफ, लाइन, ऑक्सिलरी, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम क्या है हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट ऑफ एस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ द लोकायुक्त इन इंडिया। फर्स्ट स्टेट पूछा है जहां पर लोकायुक्त इन इंडिया में, देखिए अगर सेंट्रल लेवल पर बात करें तो हम उसको लोकपाल बोलते हैं, और स्टेट लेवल पर बात करें तो हम उसको लोकायुक्त बोलते हैं, लोकायुक्त। तो 38 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, इसमें असर्शन एंड रीजन दिया है। अंडर द स्पॉइल सिस्टम, स्पॉइल सिस्टम जो है उसमें पब्लिक ऑफिसर आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर ऑफ द पार्टी विक्टरीज एट द पोल्स। जो पोल्स के द्वारा विक्टरी होते हैं, जीतते हैं, उनको क्या होता है, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? पब्लिक ऑफिसेज, उनको ऑफिसेज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। द पब्लिक ऑफिसेज आर कंसीडर्ड स्पॉइल टू बी इंजॉय बाय द विक्टरी। जो लोग विक्टरी होते हैं, जो विजेता होते हैं, वो इंजॉय करते हैं अपने इन ऑफिसेज को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए आर टिरू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40, हु अमंग द फॉलोइंग आर द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द इंटीग्रल लॉ ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 40 का मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो स्पॉइल सिस्टम होता है उसमें जो चुनाव जीतती हैं पार्टी, विक्टरी होती हैं, उनको ऑफिस वितरित किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड किए जाते हैं, और जब वो सार्वजनिक पदों को विजेता द्वारा आनंद लेने का स्पॉइल समझा जाता है, स्पॉइल का मीन होता है इनामी प्रणाली, याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। और 40 का हमारा, लोक प्रशासन के अविभाज्य विचार के समर्थक कौन कौन है? हेनरी फ्योल, साइमन, मार्शल डिमॉक, गूलिक। तो इसका 40 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि हेनरी फ्योल हैं और डिमॉक हैं, साइमन और गूलिक नहीं है। इस तरीके से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41, ये देखिए 40 का 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इसको हमें मैच करना है। ई एच कार की बुक है द 20 ईयर क्राइसिस, ए का 3 यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, लेकिन हमें सारे मैच करने हैं। आर कोहेन, ये न्यूरलिज्म से रिलेटेड है। जॉन मेयर सीमर, द ट्रेजडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। फरीद जकारिया, फ्रॉम वेल्थ टू पावर। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 42, याद रखिएगा ई एच कार की ये बुक्स बहुत बार पूछी गई है, 20 ईयर क्राइसिस। अब अगर हम बात करें 42 की, तो इसमें असर्शन, 42 में असर्शन एंड रीजन दिया है। असर्शन है हमारा ग्लोबलाइजेशन इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, ये सही है। इट इन्वॉल्व इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चर। जब मल्टी डायमेंशनल की बात हुई है तो इसमें ये सारे आ जाते हैं। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ए आर, ए और आर दोनों ट्रू हैं, और ये आर जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।
ये जब ये है वेन टू कॉम्बटेंट्स आर सो डिफरेंट इन दियर करेक्टर एंड इन दियर एरिया, मतलब उनका वो अपने करेक्टर में डिफरेंट होते हैं, अपने एरिया में मतलब डिफरेंट होते हैं कंपरेटिव स्ट्रेटजिक एडवांटेज के लिए ऑफ ए कन्फोरेशन बिटवीन देम कम टू टर्न वन साइड एबिलिटी टू फोर्स द अदर साइड टू फाइट ऑन दियर ऑन टर्न नेम द टाइप ऑफ वार। ये कैसा वॉर होगा? अनइक्वल एसिमेट्रिक न्यू वार पोस्ट वेस्टफेलियन वॉर। इसका मैं आपको हिंदी दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, जो दो लड़ाकू योद्धा होते हैं वो अपने चरित्र में तुलनात्मक सामरिक लाभ के अपने क्षेत्र में इतने भिन्न हैं कि उनके बीच मुकाबले का पक्ष की योग्यता को एक पक्ष की योग्यता को दूसरे पक्ष की अपने खुद की शर्तों पर लड़ने के लिए विवश करने लगता है। इसी प्रकार के युद्ध का नाम क्या है? इस प्रकार के युद्ध का नाम है असीमित युद्ध। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44। नेम द यूएन फैक्ट फाइंडिंग मिशन ऑन द गाजा कॉन्फ्लिक्ट 2009। याद रखिए, गाजा कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट 2009, ये कब, इसका रिपोर्ट का नाम क्या था? गोल्डिंग रिपोर्ट, गोल्ड स्टोन रिपोर्ट, गोल्डमैन सच रिपोर्ट, गाजा रिपोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा 44 का, हमारा राइट आंसर क्या होगा? गोल्ड स्टोन रिपोर्ट। जो ये गाजा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 2009 का, इस पर जो रिपोर्ट थी उसका नाम था गोल्ड स्टोन रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है, अंडर विच चैप्टर एंड आर्टिकल डज द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कंसीडर ए थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस। फर्स्ट, एक्सप्लोर वेज टू और सेटल द डिस्प्यूट पीसफुली। ये पूछा गया इसमें कि कौन से चैप्टर में ये बोला गया कि सिक्योरिटी काउंसिल कंसीडर करती है इंटरनेशनल पीस को, पीस के बारे में कौन से चैप्टर और आर्टिकल में पूछा गया है। ये 45 का हमारा जो राइट आंसर होगा, पहले हम ऑप्शन देखते हैं, चैप्टर 6 आर्टिकल 36, चैप्टर 6 आर्टिकल 33, चैप्टर 7 आर्टिकल 47, चैप्टर 7 आर्टिकल 42। तो पीस की बात कहाँ पर की गई है? पीस की बात की गई चैप्टर 7 आर्टिकल 42, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फीचर ऑफ द मॉडर्न इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मॉडर्न इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ का जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है उसको, उसका फीचर क्या है? यूनिलेटेरियल लेजिस्लेशन, कॉन्स्टेंट एंड लीगल ऑब्लिगेशन, लैंग्वेज एंड प्रैक्टिस ऑफ जस्टिफिकेशन, डिस्कोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनोमी। इसमें से कौन कौन सा होगा हमारा 46 का? देखिए, यूनिलेटेरियल लेजिस्लेशन, इसका मैं हिंदी आपको दिखाती हूँ, अच्छे से और समझ आएगा। इंटरनेशनल लॉ का जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है उसमें पूछा है कि कौन कौन सा सही है। यूनिलिटेरियन मतलब एक पक्षीय कानून, ये नहीं होगा क्योंकि सहमति होगी यहाँ पर, भाषा और औचित्य का उपयोग होगा, संस्थानिक स्वायत्तता की वार्ता होगी। तो 2, 3, 4 यहाँ पर सही होगा, सहमति और कानूनी दायित्व, भाषा, इस तरीके की इसमें बात की गई है। इंग्लिश में दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, यूनिलेटेरियल लेजिस्लेशन नहीं होगा, बाकी ये तीनों होंगे और राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस वेल नो एज कोपेनहेगन कोप 15 डील विद द इशू ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन एक्सप्लेनेशन। कोप 15 की बात की गई है कि हमारी कोप 15 जो हुई थी कोपेनहेगन में, वो किस चीज़ से रिलेटेड थी? तो वो किस चीज़ से रिलेटेड थी? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है हमारा लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इसको हमें मैच करना है। आइए देखते हैं, हम तेज़ी से मैच करते हैं। सबसे पहले दिया OAS, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, उसके बाद नाफ्टा, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके बाद AMU, अरब मगरिब यूनियन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CETO। तो सबसे पहले हमारा है OAS। OAS हमारा कब बना? OAS जो है हमारा वो कब का है? 48 का। उसके बाद हमारा नाफ्टा हमारा कब का है? 1994 का। AMU हमारा कब का है? AMU हमारा 1954। A का 2 हमारा कहाँ पर है? B में। B का 4 ठीक, D का 1। सी का होगा हमारा, AMU होगा 1989 का, और हमारा सीटो होगा 19 इसको फिर से मिस करती हूँ, गड़बड़ हो गया ये थोड़ा।
देखिए हमारा सी टू होगा 1954, डी का 3, ठीक है, एएमयू हमारा 1989, ठीक है ठीक है। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ओएएस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट 1948, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा हमारा 1994 का, ये मैच करने से रह गया, अभी इसको करती हूँ 1994, और उसके बाद है हमारा एएमयू 1989, और सीटो हमारा 1954, याद रखिएगा नाफ्टा 1994 और सीटो 1954। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में है हमारा असर्शन एंड रीजन, इंडिया इज परस्यूइंग ए पॉजिटिव सिमेट्री इन साउथ एशिया, इंडिया इज स्ट्रेटेजिकल कंटेंट बाय चाइना पाकिस्तान पार्टनरशिप। इसका मैं हिंदी में आपको दिखाती हूँ, थोड़ा इसका साइज। भारत दक्षिण एशिया में सकारात्मक असंप्रभुता का अनुसरण कर रहा है अभिकथन, और रीजन हमारा क्या है, भारत को चीन पाकिस्तान एकजुटता द्वारा सामरिक रूप से निरोधित रखा जा रहा है। 49 का हमारा जो राइट आंसर होगा ए और बी, ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ऊपर किसकी बात करी साउथ ईस्ट एशिया की, दक्षिण एशिया की, और नीचे बात की गई है चीन पाकिस्तान की, इस तरीके से हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यह है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पाकिस्तान्स आर्म प्रोक्रूटमेंट एंड मिलिट्री बिल्डअप 1979 एंड 1990 इन सर्च ऑफ ए पॉलिसी। ये बुक जो है ये किसकी है, आइए हम इसके ऑप्शंस देखते हैं, हिंदी में आपको दिखाती हूँ। पाकिस्तान आर्म्स प्रोक्योरमेंट एंड मिलिट्री बिल्डअप 1979-90 इन सर्च ऑफ पॉलिसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, अहमद रशीद, आयशा जलाल, ओयशा सिद्दीकी अदा, स्टीफन कोहेन। तो हमारा 50 का राइट आंसर क्या होगा, ओयशा सिद्दीकी अदा। इस बुक के ऑथर कौन है, ओयशा सिद्दीकी अदा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और इसमें हमने एनालिसिस किया है 2014 के क्वेश्चन पेपर को, और अगर आपने बाकी क्वेश्चन पेपर 2012 के और 13 के नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे।